स्टार्ट। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत इन दोनों ग्रंथों में भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। स्टॉप। यह कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श उनकी कहानियां और उपदेश रामायण में समाहित हैं। स्टॉप। मेरा मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो रामकथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। स्टॉप। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। स्टॉप। यह अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला भूमि तो है ही बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। स्टॉप। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। स्टॉप। रघु दिलीप अज दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम व शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता था। स्टॉप। इसलिए इस नगरी का अयोध्या नाम सर्वदा सार्थक रहेगा। स्टॉप। पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलीला का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान शुरू किया है इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करता हूं। स्टॉप। यह उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय संस्कृति के आदर्शों में रची बसी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त होता है। स्टॉप। रामायण में दर्शन के साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। स्टॉप। संतान का माता पिता के साथ, भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, मित्र का मित्र के साथ, शासक का जनता के साथ और मानव का प्रकृति व पशु पक्षियों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए इन सभी आयामों पर रामायण में उपलब्ध आचार संहिता हमें सही मार्ग पर ले जाती है। स्टॉप। पर रामायण रामचरितमानस तथा अन्य रामकथाओं में अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार आप मानव के ईश्वरीकरण अथवा ईश्वर के मानवीकरण की गाथा देख सकते हैं। स्टॉप। रामचरित मानस में एक आदर्श व्यक्ति और एक आदर्श समाज दोनों का वर्णन मिलता है। स्टॉप। रामराज में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आचरण की श्रेष्ठता का बहुत ही सहज और हृदयग्राही विवरण मिलता है। स्टॉप। सांस्कृतिक व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की दृष्टि से आज का यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टॉप। पर भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित हो रहे रामायण सर्किट से जुड़े प्रकल्पों का आज लोकार्पण हुआ है। स्टॉप। इनसे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टॉप। आज तुलसी स्मारक भवन के विस्तार तथा नवीकरण कार्यों का शिलान्यास भी एक महत्वपूर्ण पहल है। स्टॉप। मुझे बताया गया है कि इससे विश्व स्तर पर हो रहे रामायण एवं रामकथा से जुड़े शोध कार्यों में सहायता मिलेगी। स्टॉप। साथ ही जन सामान्य को रामकथा से जोड़ने के कार्यक्रमों के लिए भी आधुनिक व्यवस्था की जाएगी। स्टॉप। मुझे अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
संचालित अयोध्या शोध संस्थान के तत्वाधान में एक बृहद विश्वकोश तैयार किया जा रहा है।